योगी सरकार में अवैध कब्जा होने बंद नहीं हो रहे। एक ओर सरकार अवैध कब्जा धारकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देती है, किंतु स्थानीय प्रशासन की हीला हवाली से अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन का भय नहीं होता है। ऐसा ही मामला हमीरपुर जनपद के रमेणी मोहाल का देखने को मिला, जहां यह दंपत्ति अपने मासूम बच्चों के साथ मकान का कब्जा हटवाने को लेकर प्रशासन के यहाँ गुहार लगाने पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने है, ये वो परिवार है जो कि प्रशासन के सामने अपने मकान से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे हैं। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के रमेणी मोहल्ला का बताया जा रहा है। पहले हम लोगों ने कमरा खरीदा था एक, तो उसमें बदल वाले ने कब्जा कर लिया, वो खाली नहीं कर रही है और मतलब जाओ तो धमकाते हैं, डराते हैं कि धमकी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज आप कहाँ आए हुए? डीएम साहब के आए हुए ज्ञापन देने के लिए, उनसे उम्मीद है सब कुछ होता है। मैंने जो है 2017 में एक प्लाट लिखवाया हुआ था, उसमें एक कमरा बना हुआ था जिसका कब्जा तब से अभी तक है, और मैं डीएम साहब को अप्लीकेशन दे के आया हूँ अभी, और मैं समस्या से बहुत ही पीड़ित हूँ। मेरे बच्चे सब किराए में रहते हुए हैं, कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं एक महिला उधर। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।